हाय गाइस, बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड होते हैं और अपलोड होने में एक टाइम गैप आ जाता है बिकॉज बीच में एडिटिंग करनी होती है ऑब्वियसली। तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी इनवैलिड हो गई हैं, फॉर एग्जांपल छुट्टी वाला पार्ट, दी वेकेशंस वाला पार्ट, वो इनवैलिड हो गया, मुझे वेकेशंस मिल गई हैं। आई नो तुम समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट वंस यू वॉच दी होल वीडियो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। बट बाकी सारी चीज़ें एक्चुअली वैलिड हैं अभी तक। हाँ, सो बेसिकली एक तरीके की डिस्क्लेमर है, थोड़ी लाइट हार्टेड वीडियो है, इसको सीरियसली मत लेना। डिस्क्लेमर देना पड़ता है यू नो, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ठीक है। एनी वेज, दैट वॉज इट, स्ट्रेट टू द वीडियो। एंड ऑल्सो एक चीज़ और बोलनी थी मुझे कि अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाली है, बिकॉज आई मीन लेट्स जस्ट से दैट आई एम हैविंग टफ टाइम्स, टफ डेज। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बस ये बोलूँगा कि मेरे को मौका नहीं मिल रहा वीडियोज़ बनाने का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा फ़ोन और लैपटॉप कॉन्फिस्केटेड रहता है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बनाने के लिए ऑब्वियसली फ़ोन और लैपटॉप अपना दोनों चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं रहता है। बट यार, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वैसे ही बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को मौका नहीं मिल रहा बेसिकली, सो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाने वाली है। मुझे बनाने का बहुत मन करता है टू बी ऑनेस्ट, बट नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ। ठीक है, इतनी कर्ज से पेंटिंग है, क्या है ये। स्ट्रेट टू द वीडियो, बाय। देश में कोरोना की वजह से बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे लखनऊ में लोगों को बिल्कुल चैन नहीं है, दो मिनट भी घर पे रुकेंगे नहीं। कल परसों मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गलती से बिना मास्क के बाहर निकल गया, पुलिस वालों ने इतना डंडा मारा, अभी तक बैठ नहीं पा रहा हूँ, सूज गया है। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही बुरा हाल है देश और दुनिया में। इस सब के बीच एक जनता का ऐसा वर्ग है जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, वो है बच्चों का, खासकर कि छात्रों का, कि छात्रों की कैसी लगी हुई है इस दौर में। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के साथ बच्चों के फेस पे वो बात नहीं रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहाँ से कहाँ क्या राइमिंग कर दिया है, अब तो सैलरी बढ़ा दो, इतनी बढ़िया लाइंस बोल रहा हूँ। बीजेपी न्यूज मतलब एबीपी न्यूज पे हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप लोगों को हमेशा, हम जो अपने दर्शकों को एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दें, और ग्राउंड रिपोर्ट देने में ही हमारा विश्वास हमेशा से रहा है, मतलब कभी कभी तो अंडरग्राउंड ही चले जाते हैं। पहर मैं एकदम ग्राउंड पे लेट के रिपोर्ट तैयार कर रहा था कि एक कुत्ता पता नहीं कहाँ से आके मेरे पे मूत के चला गया। कपड़े तो मैंने बदल लिए, लेकिन माइक से अभी भी स्मेल आ रही है, इसलिए थोड़ा दूर रख रहा हूँ। दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि आज ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम बिल्कुल ही ग्राउंड से भी मतलब ओहो। तो आज मैं आ चुका हूँ लखनऊ के कक्षा 12वीं के एक छात्र के सीधा स्टडी रूम में, ज़बरदस्ती एकदम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं उससे वार्तालाप करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर क्या स्थिति है बच्चों की भारत में। तो चलिए उससे थोड़ी सी वार्तालाप की जाए, बाकी सैलरी बढ़ जाती तो अच्छा रहता। मैं पूरा सीन बताता हूँ क्या सीन है। आराम से हमारा इस बार अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो गया था एज़ यूजुअल, और सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, मतलब कोशिश तो कर ही रहे थे। उसके बाद मई आ गया था फर्स्ट में, कि ये बात है कि फोर्थ पीरियड हमारा ख़त्म हो और हम लोग फिफ्थ पीरियड की लिंक का वेट कर रहे थे, पर वो लिंक आए ही नहीं। फिर गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि फर्स्ट मई से 11 AM के बाद कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी बिकॉज कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कोविड केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। कोई सेंस है इस बात की? तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस बंद हो रही हैं, ओ माय गॉड। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ऑनलाइन क्लासेस ने मुझे स्ट्रेस और सरदर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है, मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है उसमें। तो आई वाज लाइक यस यस, अभी यूटी आ रहा है उसमें मैं एकदम फाड़ दूंगा और मतलब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आराम से फ्री मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, मज़े आ जाएंगे, वाओ। तो जब वो 15 दिन की छुट्टी खत्म होने वाली थी, तो एक दो दिन पहले उन्होंने बोला कि आपकी छुट्टी 5 दिन और बढ़ा दी गई है, तो मैं और खुश हो गया, वाओ ये तो और छुट्टी बढ़ाए जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। एंड 17 दिन के बाद देयर लाइक सरप्राइज मदरफकर्स, ये आपकी समर वेकेशन थी, वाओ। भाई समर तो आने दो, लिटरली बारिश चल रही है यार, एक बात ही करने की। आई फील लाइक 6th 7th में मेरी समर वेकेशन पीक पे थी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती रही, थोड़ा स्ट्रेसफुल समर वेकेशन होती रही, और अब तो ये सीन हो गया कि मतलब समर वेकेशन हुई ही नहीं, बारिश में 17 दिन की छुट्टी दे दी और उसको समर वेकेशन बोल दिया। देखो, सबको पता है कि समर वेकेशन में लोग मज़े तो करते हैं, लेकिन जिन लोगों को पढ़ना होता है वो अपना मोस्टली सिलेबस समर वेकेशन में ही पुश करते हैं। जो हाफ ईयरली का टेंशन हो रहा होता है कि हाँ हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आएगा, वो समर वेकेशन ही ईज आउट करता है, जो कि अब नहीं हो रहा। एंड आई नो कंट्री में से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अभी, इनफैक्ट ये तो प्रॉब्लम लगती भी नहीं है, जो कि काफ़ी सैड चीज़ है एक। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे को और ज़्यादा छुट्टी चाहिए, मुझे 20 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा बकवास डिसीजंस ले रही है। मैं 10 साल से स्कूल पढ़ रहा हूँ और आज मतलब हर एक स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल शट डाउन क्यों हुई? एजुकेशन बोर्ड ट्रस्टवर्दी भी बचा है? हाँ, मैं मानता हूँ कि इस कंडीशन में
चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, राइट। लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस की वजह से सिचुएशन बहुत अनस्टेबल हो गई है। मैं अपनी टीचर से कोई डाउट पूछता हूँ तो उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या बुलशिट डिसीजन पास कर दिया अगले दिन कि 20 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी बिकॉज ऑफ कोरोना। एंड न्यूज़ में आ रहा है कि सिंगापुर स्ट्रेन विल अफेक्ट चिल्ड्रन ज़्यादा, तो उसके बाद तो स्कूल्स में और भी बवाल होने वाला है, बिल्कुल भसड़ मच जाएगी। बेटा तुमने क्या बात बोल दी, मैं तो इम्प्रेस हो चुका हूँ, क्या बताऊँ। बेटा मेरा भी बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, मतलब जॉब नहीं है लोगों के पास, जिनके पास जॉब है उनकी भी सैलरी बहुत ही कम है। यहाँ पे मैं राइम कर कर के मतलब शेक्सपियर बनने वाला हूँ, मगर इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है। ज़्यादा ही कम है क्या? कम? अरे बहुत कम है, बहुत। इससे ज़्यादा तो मेरा बाप मुझे पॉकेट मनी देता था जब मैं छोटा था। परसों मैं रेस्टोरेंट गया था डिनर खाने, वहाँ पे वेटर आके मुझे ही टिप देता था, कहता नहीं सर आपको ज़्यादा ज़रूरत। अरे सर भी क्यों बोल रहे हो, मुझे छोटू बुला ले, मैं तेरे बर्तन साफ़ कर देता हूँ, मैं तेरे को खाना दे देता हूँ। चलिए जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, अब क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होगा ही, है ना। चलिए कैमरामैन टिक टिक रोशन के साथ लखनऊ से पिंट कुमार, बीजेपी एबीपी न्यूज़ यार। I've cried enough. Tears over us, 'cause there's so many flames under the sun. You don't want me, baby. You don't want me, baby.